अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। कल हमने राउंड टू की रिवीजन की थी, लेसन नंबर 20 की एलिफेंट्स, हमने उसके लेसन पढ़ा था और एक्सरसाइज की थी। आज हम उसके वर्ड्स मीनिंग और समरी करेंगे। डेट आज का डे देखें, थर्सडे 20 अगस्त 2020, रिवीजन राउंड टू, लेसन नंबर 20 एलिफेंट्स, वर्ड्स मीनिंग एंड समरी। सबसे पहले आप वर्ड्स मीनिंग देखें। वर्ड्स मीनिंग बिगेस्ट, सबसे बड़ा, नंबर टू ट्रंक सून, टस्क, नंबर थ्री टस्क हाथी के बैरूनी दांत, नंबर फोर रिफ्यूज इनकार करना, नंबर फाइव ओबीडियंट फरमाबरदार, नंबर सिक्स कंप्लेन शिकायत करना, नंबर सेवन स्लोली आहिस्ता से, नंबर एट क्वाइटली खामोशी से, नंबर नाइन लीडर रहनुमा, नंबर टेन क्रूअल जालिम। इनके बच्चों आपने मीनिंग भी याद करनी है और इनके आपने सेंटेंस भी बनाने देखने कि किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब हम इसकी समरी की रिवीजन करेंगे। समरी की रिवीजन करेंगे। दिस लेसन प्रोवाइड्स अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एलिफेंट्स। ये सब हमें हाथियों के बारे में बहुत ज्यादा बहुत सी मालूमात फराहम करता है। एलिफेंट्स आर द बिगेस्ट एनिमल्स ऑन लैंड। हाथी खुश्की पर सबसे बड़ा जानवर है। अब अ बेबी एलिफेंट इज 91 किलोग्राम्स एंड 91 सेंटीमीटर हाई। एक छोटा हाथी 91 किलोग्राम वजन रख और 91 सेंटीमीटर उसका कद होता है। व्हेन इट इज 6 इयर्स ओल्ड, जब ये 6 साल का होता है, इट इज अबाउट 180 सेंटीमीटर हाई, ये एक 180 सेंटीमीटर बुलंद होता है। एंड व्हेन इट इज 12 इयर्स ओल्ड, और जब ये 12 साल का होता है, इट इज अबाउट 320 सेंटीमीटर हाई, तो इसका कद तकरीबन 320 सेंटीमीटर बुलंद होता है। एलिफेंट्स हैव लॉन्ग नोजेस कॉल्ड ट्रंक्स। हाथियों की लंबी नाक होती है जो कि सूंड कहलाती है। दे यूज देयर टस्क फॉर डिगिंग अप स्मॉल ट्रीज। ये अपने बैरूनी दांतों को छोटे दरख्त खोदने में या उखाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन सम कंट्रीज, कुछ मुल्कों में, एलिफेंट्स आर कॉट एंड टेम्ड। हाथियों को पकड़ा जाता है और फिर उन्हें तरबियत दी जाती है या उन्हें सिधाया जाता है। दे लिफ्ट हैवी लॉग्स, ये वो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े उठाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, उनकी मजबूत टांगे होती हैं। दे लिव विद फैमिलीज, वो अपने खानदान के साथ रहते हैं। दे लुक फॉर फूड एट नाइट, वो रात को खुराक की तलाश करते हैं। एंड स्लीप ड्यूरिंग डे, और दिन के दौरान में वो सोते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी समरी थी, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है। अब आपकी एक्टिव इंग्लिश की रिवीजन जो राउंड टू में आना है, 3 लेसन जर्नी टू द मून, उसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट और एलिफेंट। आपने इनकी एक्सरसाइजेस को और इनकी ट्रांसलेशन को बहुत अच्छी तरह से देखना है। इसके बाद आपकी कल से आपकी जूनियर इंग्लिश की रिवीजन स्टार्ट होगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।